धनवार पुलिस प्रशासन पर लगा भू माफिया के साथ गठजोड़ का आरोप। धनवार थाना क्षेत्र के उपरेली धनवार निवासी ब्रह्मदेव चौधरी ने खोरीमहुआ अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर कहा कि जमीन पर 144 के बाद भी पुलिस की मिलीभगत से काम किया जा रहा है। दिए गए आवेदन में सिंह ने कहा है कि खाता संख्या 27 प्लॉट नंबर 145 रकवा 3 एकड़ 30 से 40 डिसमिल जमीन पर 144 लगाई गई है, परंतु उसके बाद भी लगातार भू माफियाओं के द्वारा वहां पर काम किया जा रहा है। इसकी सूचना कई बार जानकारी व आवेदन के द्वारा पुलिस से लेकर सीओ को दिए हैं, लेकिन काम बंद नहीं हो रहा है, लगातार जमीन पर कार्य किया जा रहा है। कहा कि अगर भू माफिया के द्वारा काम बंद नहीं किया गया तो पूरे परिवार के साथ 20 जून से अनुमंडल कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठने का काम करेंगे और इंसाफ नहीं मिली तो आत्मदाह भी करेंगे। वहीं दूसरे पक्ष के बबलू निषाद ने बताया कि जो जमीन पर भी काम चल रही है वह उनकी खरीदगी जमीन है। उक्त लोग बेवजह उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं और धमकी देते हैं कि अगर काम बंद नहीं किया तो इसके लिए अंजाम भुगतना होगा। माफिया वगैरह पूरा जमीन जो है इसको घेर लिया है। 15 जीबीसी से मशीन से अपना काम कर रहा है। थाना जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होता है। 44 किया हुआ है पर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बेसहारा हो चुके हैं और हम लोग का आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। मामला जमीनी विवाद है और यह मामला कोर्ट में दर्ज है, जिसका प्लॉट नंबर 145 खाता नंबर 27 है। राय धनवार के भू माफियाओं के द्वारा मेरा जमीन को बेजबरन घेरा जा रहा है और जब मैं थाना 144 भी इस प्लॉट पे लगा हुआ है और जब मैं थाना गया तो वहाँ के जो बड़ा बाबू थे उनका कहना है कि 44 से क्या होगा, 188 लगाओ। तो 188 वास्ते रिसीविंग मिला हुआ है, रिसीविंग से बोलता है काम नहीं होता है। थाना के मेल से भू माफिया लोग जमीन में घेराबंदी कर रहा है, इससे हमारे सभी परिवार बेसहारा हो चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। ब्रह्मदेव चौधरी का पूर्वज, उनके बाबूजी अपने हिस्से से सारा जमीन, हिस्से से ज़्यादा का सारा जमीन बेच चुके हैं, उसके बाद भी सभी लोगों को परेशान करते हैं और जो बेचे हुए हैं उन लोगों को भी जमीन पर काबिज होने नहीं देते हैं। और जहाँ तक 144 का उल्लंघन का बात है, मैं कानून मानने वाला व्यक्ति हूँ। जिस प्लॉट पर 144 लगा हुआ है उस प्लॉट पर हम आज तक नहीं चढ़ने गए हैं, इसलिए यह बोलकर और कानून के पास बार बार जाकर आवेदन देकर मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है और बार बार धमकी देता है कि अगर तुम नहीं मानोगे तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी टाइम न्यूज़, राजधनवार।